नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से। मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और हमारी चर्चा हो रही है परीक्षा की तैयारी के बारे में। हम कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विषयों पर आपको परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको हमारे एप्लीकेशन में कुछ एडिशनल मटेरियल जैसे कि माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप बड़ी आसानी से इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप YouTube पर ये वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि किरण प्रकाशिकी के लिए सारे के सारे आंकिक प्रश्नों के हम लोग जो है एक बार चर्चा कर चुके हैं। अभी चल रही है सीरीज PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हम पूर्व प्रश्न पत्रों से प्रश्न उठाते हैं और आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको परीक्षक का, आपकी परीक्षा का जो है एक टेस्ट पता चल सके, एक फ्लेवर समझ में आ सके। इसी विषय में आज हमारे कुछ प्रश्न हैं और चलिए आइए देखते हैं। अब पूछ रहा है कि किस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। आप अगर ध्यान देंगे और अगर आपको जो है किरण आरेख पता है तो आप देखेंगे कि जो भी अवतल जो लेंस होता है इसमें से सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में जो है जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और छोटा बनता है, लेकिन जैसे ही हम फोकस दूरी से भी और आगे अपना प्रतिबिंब लेकर आते हैं, मतलब अपनी वस्तु को लेकर आते हैं, तो एफ और पी के बीच में रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आवर्धित बनता है, समझे। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देखते हैं कि हमको जो है आवर्धित प्रतिबिंब किससे मिलता है। हमको आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा एक अवतल दर्पण से मिलता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है ये होता है कि उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिससे हमें आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब हम कार से पीछे की गाड़ियों को देख रहे होते हैं तो पीछे की गाड़ियां हमेशा छोटी दिखती हैं और उसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब हमको जो जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं वो उससे ज़्यादा पास हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है उससे हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके आगे देखते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। हमको पता है कि R बटा 2 करने से जो है हमको फोकस दूरी मिलती है और एक समतल दर्पण में जो है कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती, मतलब उसकी जो है R का मान हो जाता है अनंत, R का मान हो जाता है अनंत और इसी प्रकार से फोकस दूरी का मान भी हो जाता है अनंत, ठीक है। तो हमेशा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है। आगे देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पर, तब भी जो है एक बार दोबारा याद कर लेते हैं। जब भी प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने निर्धारित पथ से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण जो है और भी ज़्यादा अधिक होने लगता है। एक ऐसी स्थिति जब आपतन कोण के लिए परावर्तित किरण जो है 90 अंश पर अपवर्तित किरण 90 अंश पर सतह के समतल जाने लगती है, तब इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। और यदि ऐसी स्थिति आती है जब आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में लौट आ जाती है और इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो 2022 का ये भी प्रश्न है, 2022 का ये भी प्रश्न है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें लिखिए। पहली शर्त है कि किरण को कहाँ से जाना, कहाँ जाना है, किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही हो, पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त हो कि आपतन कोण का मान
जो है वो आपतन कोण आई का मान सदैव क्रांतिक कोण सी से अधिक हो। ऐसी दो स्थितियां यदि जो है हो रही हो तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नजर आता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। जब भी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, अवयवी रंग में। सबसे कम जो है विभक्ति जो है वो लाल रंग में होती है, और बीच में जो है कहीं पर पीला रंग आता है, और सबसे ज़्यादा जो है विचलन किस में होता है, बैंगनी रंग में होता है। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए, जैसे कि एक ही माध्यम में वॉयलेट के लिए जो है वर्ण विक्षेपण जो है जो अधिक कोण पर जो विचलन होता है, जबकि लाल रंग के लिए वर्ण विक्षेपण कम कोण पर होता है। और क्योंकि बीच में जो है पीला रंग पड़ता है, बैजानी हपिनाला VIBGYOR, तो यहाँ पर ग्रीन और येलो जो है बीच में आता है, तो ये जो है वर्ण विक्षेपण, और ये विक्षेपण क्षमता ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होता है V/VR dV-dR/dY। और ये सब क्या है? ये जो है अलग अलग रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। किसी भी प्रकाश की किरण को किसी माध्यम में कोणीय विक्षेपण करने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, और ये जो है जो औसत वर्ण विक्षेपण जो होता है उसे हम इस सूत्र द्वारा निकालते हैं। यह वर्ण विक्षेपण क्षमता है। 2021 का प्रश्न है, एक अंक के लिए पूछा गया था। आगे देखेंगे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना इसी का जो है परिणाम है। विचलन कोण से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? विचलन कोण बराबर I+E-A, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो हमारा प्रिज्म होता है उसमें से जब भी प्रकाश की कोई किरण गुजरती है तो वह अपने मूल रास्ते से भटक कर जो है इस प्रकार से गमन करती है। इन दोनों रास्तों के बीच का जो कोण होता है इसे ही हम विचलन का कोण कहते हैं, डो। और यह किन किन बातों पर निर्भर करती है? यह पहली बात यह है कि जिस कोण पर जो है हमारा आपतित किरण मिलेगी तो आई पर निर्भर करती है, और दूसरा प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर करती है। तो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है किसी भी प्रकाश की किरण का विचलन, ठीक है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? अलग अलग प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोण अलग अलग होता है, और प्रकाश क्योंकि 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है इसलिए इसमें जो है वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। आपसे अगर और प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश की किरणों में अलग अलग रंगों के जो है अपवर्तनांक के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी रंग का जो मूल परिभाषा है वह उसकी आवृत्ति है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य होने के कारण ही अलग अलग कोणों पर जो है प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकाश किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा और किसकी कम है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण है बैंगनी रंग, और सबसे कम आवृत्ति वाला रंग है लाल। इसके विपरीत अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। इसलिए अपवर्तन के मामले में भी सबसे ज़्यादा अपवर्तन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम अपवर्तन किसका होता है? लाल रंग का होता है।
आगे बढ़ेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी अभी हम लोगों ने देखा है, इसकी दो शर्तें भी बताई हैं, तो ये प्रश्न तो आपसे बन गया। फिर देखें प्रकाश तंतु क्या है और इसके प्रमुख उपयोग क्या होते हैं। तो प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रकाश की बनी एक नली है जिसके अंदर उससे भी ज़्यादा अपवर्तनांक वाली दूसरी नली होती है। जब प्रकाश के किरणें जो है अंदर वाली नली से बाह्य सतह पर जाने का प्रयास करती हैं तो उनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वह इसी भांति आगे चलने लगती हैं। इसका जो है मुख्य उपयोग साज सज्जा एवं संचार के लिए किया जाता है। 2020 का प्रश्न है और आपको इसका उत्तर मिल गया। जियो फाइबर इंटरनेट के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है और इसके दो प्रमुख उपयोग लिखिए। यदि भाई हमको क्या पता है कि जो है डो का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, डो बराबर आई प्लस ई ऋण ए ये होता है। अब यहाँ से जो है अगर हम देखें तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कुछ भी हो, यदि हम जो है ए को जो है बढ़ा दें तो हमको जो है डो का मान जो है वो मिलने लग जाएगा, मतलब कम मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रकार का एक प्रिज्म लेते हैं जिसकी एक सतह जो है 90 अंश और बाकी जगह जो है हमको 45-45 अंश मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जो है हम मुख्यतः जो है किस में करते हैं भाई, बाइनोकुलर्स में, मतलब ये जो है एक चश्मा आता है जिससे आप लेटे लेटे टीवी देख सकते हैं, उस चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका उपयोग जो है पेरिस्कोप बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि जब जो है हम कांच के दर्पणों का उपयोग करते हैं तो पीछे की जो है पॉलिश निकल जाने पर हमारा दर्पण खराब हो जाता है। खगोलीय टेलीस्कोप और बहुत ही महंगे प्रकाशकीय उपकरणों में परावर्तन के लिए इस प्रकार के जो है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म हम लोगों ने समझ लिया। आगे देखते हैं समान संयोजन की स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबिंब बनाने का नामांकित आरेख चित्र बनाइए। ये जो आरेख चित्र हैं ये जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है और इन सब प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।